उदयपुर में छठ पूजा का पर्व श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज शहर के फतेह सागर सहित अन्य नदी सरोवरों में लोगों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही इस पर्व का समापन हुआ। इससे पहले कल शाम को डूबते हुए सूर्य की भी पूजा अर्चना कर अर्घ्य दिया गया। 4 दिन तक चले इस पर्व के दौरान लोगों ने पवित्र स्नान, उपवास और सूर्य की उपासना की। हम लोग ये छठ पूजा मना रहे हैं। जब से यहाँ पे कुछ नहीं था, जो हम लोग कीचड़ कीचड़ के अंदर तख्ता लगा करके हम लोग यहाँ पे छठ पूजा मैया का पूजा करते थे, और आज जो है हम लोग पक्के के अंदर जो यहाँ के प्रशासन प्लस गुलाब जी भाई साहब और अपना फूल सिंह भाई साहब के देन है, जो आज हम लोगों को मैंने घाट पे बना करके हम लोग को आज बहुत बड़ी उपकार दिए हैं। और हम लोग जो है आज जो है बहुत धूमधाम से छठ मैया के पूजा करते हैं। जो पूजा होता है नहाय खाय से, दूसरे दिन होता है खरना यानी प्रसादी, जो घर पर प्रसादी चढ़ाते हैं उससे। तीसरा पूजा शाम के जो सूर्य अस्त होता है, तो ये सूर्य अस्त के समय अर्घ्य देते हैं। ये शाम का अर्घ्य देने का अर्थ ये होता है कि पहले हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो ये तप का फल है। ये व्रत जो होता है तप का व्रत है, इसलिए ये शाम को जब घर से बाहर निकलकर सूर्य का अर्घ्य देते हैं, तो ये नियम है कि जब तक सूर्योदय ना हो तब तक ये तप करके सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही अर्घ्य का विशेष प्रावधान है, जिससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। छठ व्रत का कोई महिमा बड़ा अपार है। इनका मतलब जितने लोग थे उस जमाना में भी जो थे तो कोई नहीं छोड़ते थे, सब करते थे। आज के जमाना बदल गए तो ज्यादा हो गया, तो फिर क्या हुआ, हमारे ये व्रत करने से मन में एकदम से उत्पत्ति हुआ। हमारे खानदान ये होती है एक बूढ़ पुराण करते हैं, जितनी परिवार होती सब मिल के एक साथ उसमें खुशी मनाते। सर छठ पूजा के लिए यह मान्यता है हमारे, जैसे हर तरह तरह के आप कोई भी मान्यता, आप किसी भी तरह का मान्यता हमारी छठी मैया से अगर आप अच्छे श्रद्धा मन से मांगते हैं तो पूरी तरह से पूर्णता होती है। क्योंकि कहा जाता है जैसे छठी मैया वो एक तरह से पुत्र, बड़े पुत्र के लिए या फिर निरोग रोग आदमी के लिए, इन सभी के लिए वो छठ पूजा मनाया जाता है।